अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं सलमान हसन और मैं सैयद आयशा नाज। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। कौमी असम्बली में तहफ्फुज़े पाकिस्तान बिल की शिकवार मंजूरी, अपोजिशन जमातों की मुखालिफत, बिल की कॉपियां फाड़कर फेंक दी। अरकान का नारेबाजी के बाद ऐवान से वॉकआउट। पाक फौज पर गैर जरूरी तनकीद, आर्मी चीफ का दो टूक जवाब। जनरल राहील शरीफ कहते हैं दूसरे इदारों की इज्जत करते हैं, फौज के वकार का हर हाल में तहफ्फुज़ करेंगे। परवेज मुशर्रफ के बुरे दिन खत्म होने में ही नहीं आ रहे। अकबर बुगटी कत्ल केस में पेश होने का हुक्म, साबिक सदर के दो जामिनों के दोबारा वारंट गिरफ्तारी। कराची के थाना सोहराब कोट और अयूब कोट में पुलिस चौकी पर दस्ती बमों से हमले, जानी नुकसान नहीं हुआ। इकबाल महमूद को आईजी सिंध तैनात कर दिया गया, वजीर आजम नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खट्टर का कहना है कि तालिबान से मुजाकरात कामयाबी की जानिब गामजन है, हुकूमत अमन के लिए संजीदगी से काम कर रही है। और बिग थ्री या फोर, नजम सेठी और जका अशरफ में मैच पड़ गया। नजम सेठी का कहना है कि जका अशरफ की नाअहली से बिग फोर की पेशकश का फायदा नहीं उठा सके। जका अशरफ कहते हैं मौजूदा चेयरमैन उन्हें बदनाम कर रहे हैं।